गौनाहा आदि शक्ति माँ सुभद्रा के मंदिर में पूजा पाठ के लिए निकली कलश यात्रा। प्रत्येक वर्ष आदि शक्ति माँ सुभद्रा के दरबार में लगता है ऐतिहासिक मेला। मेले में नेपाल से लेकर देश के कोने कोने से आते हैं श्रद्धालु भक्त। न्यूज़ 9 टाइम्स पश्चिमी चंपारण गौनाहा से आसिक हुसैन की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत चैत्र नवमी को लेकर आदि शक्ति माता सुभद्रा के मंदिर में पूजा पाठ के लिए भारी संख्या में कुंवारी कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ कलश यात्रा। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह वर्तमान जिला परिषद सदस्य शैलेंद्र गढ़वाल, धनौजी मुखिया सह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह जिला मुखिया संघ के उपाध्यक्ष प्रदीप पंजियार, जमुनिया मुखिया विक्की कुमार, दोमाठ मुखिया अंतिमा देवी, दोमाठ मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार महतो, धमौरा मुखिया राम बिहारी महतो और सहोदरा थाना के ASI विपिन शुक्ला आदि लोगों ने बताया कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज से आदि शक्ति माता सुभद्रा सहित प्रत्येक मंदिरों में भव्य पूजा पाठ शुरू हो गया है। वहीं कलश यात्रा में उत्साहपूर्वक लोगों को नाचते गाते आनंद लेते हुए देखा गया। वहीं सहोदरा थाना के पुलिस बल साथ में देखी गई। आदि शक्ति माता सुभद्रा के स्थान पर इस अवसर पर लगता है ऐतिहासिक भव्य मेला और इस मेले में देश के कोने कोने से लेकर नेपाल से भी आते हैं श्रद्धालु भक्त। कार्यक्रम हो रहा है सर, आज जो है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ सुभद्रा जो है मेला का शुभारंभ आज जो है जल यात्रा के माध्यम से हुआ। जल यात्रा में जो है बहुत से साधु संत और यहाँ के स्थानीय जो जनता है उनके सहयोग से आज जल यात्रा जो है वहाँ गया और वहाँ से जल जो है भरकर और पुनः वापस जो है माँ के मंदिर में आ रहा है। आज मेला का शुभारंभ होने जा रहा है।